प्रोड्यूसर्स को या रिसोर्स ऑनर्स को जो एक्सप्लॉट कर रहे होते हैं उस रिसोसिस को अब अगर हम देखें तो एक्सटेंसिव जियोग्राफिकल इकनॉमिक जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई इकोनॉमीज की जिसमें स्टॉक रीजनल डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे थे नेचर एंड क्वालिटी ऑफ नेचुर रिसोसिस में यानी अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके नेचुरल रिसोसिस डिफरेंट हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ नेचुर रिसोर्स है वो डिफरेंट है और उसकी बेसिस के ऊपर वो इकनॉमिक रेंट जनरेट कर सकती हैं तो ये एक तो जियोग्राफिकली जो इकोनॉमिक डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है बाई नेचर बाई डिफॉल्ट वो एक बाईट सेल्फ पॉसिबल और पोटेंशियल शो करता है इकोनॉमिक रेंट का सेकेंडली इकोनॉमिक रेंट लीड टू वर्ड्स एनालाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन आल्टनेटिव सोर्स ऑफ गिवन कमोडिटी अब यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमिक रेंट के जरिए हम किस चीज़ को एनालाइज करेंगे जो क्वालिटेटिव डिफरेंस है बिटवीन आल्टर सोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स जो है उनकी दरम्यान किस तरह एक डिफरेंस है और किस तरह वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जनरेट करते हैं सोसाइटी के लिए या जो रिसोर्स ओनर है उनके लिए इसमें दो बेसिक कॉन्टेक्स्ट हैं एक मटेरियल करेक्टरिस्टिक्स है और एक स्पेशल डायमेंशन है जो मटेरियल करैक्ट्रिस्टिक्स है वो तो रिलेटेड है कि आप मटेरियलिस्टिकली कितना डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है क्वालिटी और क्वांटिटी में रिसोर्स के और स्पेशल जो है वो जियोग्राफिकल फोकस कर रहा है तो इसमें पहले देखें कॉर्डो ने 1817 में इस चीज़ के ऊपर फोकस किया था और दूनन ने 1826 में इसके ऊपर आर्गूमेंट दी थी तो नेचुरल सोर्स वो क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नेचुरल सोर्स के जो प्राइसेस हैं वो इक्वल होते हैं एक नॉर्मल प्रॉफिट के यानी आप जो भी नेचुरल सोर्स सेल करेंगे मार्केट में और जो भी उसकी प्रोडक्ट होगी वो एक नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर सेल कर सकते हैं आप लेकिन एबनॉर्मल प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है या ऑब्जर्व किया गया थ्रू एक्सपीरियंस के एबनॉर्मल प्रॉफिट भी इसमें अटेन हो रहा है उसके रीज़न क्या ऑब्ज़र्व किए गए जो खासतौर तौर पर रिकॉर्डर था उसने देखा कि फ़र्टेलिटी ऑफ लैंड इज़ द मेजर रीज़न अब वो फर्टैलिटी ऑफ लैंड किस तरह उसने ऑब्जर्व की के उसने एक्सपीरियंस किया कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उस वक्त जो इनफर्टाइल लैंड थी उसको भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में लाया गया तो अब पहले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी चूंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी एक्सपैंड कर गई एक्सटेंसिवली तो इसलिए वो लैंड जो पहले इनफर्टाइल थे या अनफर्टाइल थे या जिन जिनको यूज़ नहीं किया जाता एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर आ गए तो उसके नतीजे में एक विंडफॉल गेन मिली लैंड ऑनर्स को अब वो लैंड ऑनर्स जिनके वो लैंड थे जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो रहे थे जिसको हम सिंपल कह सकते हैं कि वो बेसिकली अरेबल लैंड नहीं थे या जिन जहाँ पर वाटर की प्रोविजन वाटर की अवेलेबिलिटी शायद नहीं थी या जिनको इतना जो थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं थे तो उस लैंड को भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में एन इन कर दिया गया तो ईहरी बात है जब उसको इन किया गया तो एक विंडफॉल गेन मिल गया उसके ऑनर्स को तो एक तो यह बेनिफिट हुआ उनको और वो विंडफॉल गेन जो था वो एक किस्म का इकोनॉमिक रेंट जनरेट हुआ था और वही था इंड्यूस करने के लिए उन लैंड ऑनर्स को कि उन्होंने इंड्यूसमेंट मिली कि वो अपने लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करें दूसरा जो पर्स्पेक्टिव है वो इकनॉमिक सॉरी मार्केट ओरियंटेड लोकेशन है कि मार्केट की ओरिएंटेशन क्योंकि आपने अल्टीमेटली जो जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड या स्टेपल फूड रिलेटेड प्रोडक्ट होती हैं या अदरवाइज भी कोई भी प्रोडक्ट वो मार्केट में आपने सेल करनी होती हैं तो जहाँ मार्केट एक्सेसबल होगी या अप्रोचेबल होगी उतनी आपकी कॉस्ट कम होगी जहाँ पर वो ज़्यादा डिस्टेंट होगा मार्केट से उतनी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ देगी अब यहाँ पर क्या हुआ था कि थूनन जो है दूनन उसने एक्सपीरियंस किया था एज ए फार्मर के जो बेसिकली फार्म टू मार्केट ट्रांसपोर्टेशन है उसका बड़ा वाइटल रोल है और वो प्रॉफिट डिफरेंस जनरेट करती है अब क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट इज जियोग्राफिकली यूनिफॉर्म क्या आप कहेंगे जी प्रोडक्शन कॉस्ट हर जगह पे दुनिया के ए वीट की फर्ज करें प्रोडक्शन कॉस्ट एक जैसी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है तो फार्मर इनकम इज टोटली फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो जो जिस डिस्टेंस से जितने ज्यादा डिस्टेंस से वो अपने वीट को सेल करने के लिए मार्केट में भेजेगा उसको उतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेप्ट पे करनी पड़ेगी तो उसकी ऑटोमेटिकली जो इनकम होगी या प्रॉफिट होगा वो बेसिकली फंक्शन होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का जितनी हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी उतनी इनकम कम हो जाएगी जितनी लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी उतनी इनकम बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है जो मार्केट के करीब होंगे फार्मर्स वो ज़्यादा गेन देंगे ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे और जो दूर होंगे उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा अब ये लोकेशन रेंट के तौर तो पर उसने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया तो जो अब रिसेंट डेवलपमेंट है इस चीज़ को अंडस्टैंड करने के लिए वो आप ग्रेविटी मॉडल में देख सकते हैं क्योंकि ग्रेविटी मॉडल डिफरेंट सर्च में अप्लाई किया जाता है और जिसमें आपको डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ का आपस में जब जो ट्रेड करती हैं क्योंकि अब एक कंट्री दूसरी कंट्री के लिए मार्केट है तो इसलिए वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री का डिस्टेंस जो है वो मार्केट डिस्टेंस के तौर तो पर दे सकते हैं अब ये जो रेंट है वो फंक्शन है रेवेन्यू फ्रॉम मल्टी ईयर क्रॉप्स क्योंकि एक तो मल्टी ईयर क्रॉप्स जितनी ज़्यादा क्रॉप्स आप एक साल में कर सकते हैं उसकी वजह से भी आप ये रेंट जनरेट कर सकते हैं डिप्लीशन रेट ऑफ नॉन रीन्यूएबल और रीन्यूएबल सोर्सेज जितनी ज्यादा उसका डिप्लेशन रेट जितना ज्यादा होगा उतना ये रेंट कम हो जाएगा जितना कम होगा उतना रेंट बढ़ सकता है तो और उसके अलावा एक्सप्लॉटेशन एक्सप्लोरेशन कॉस्ट ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स अगर मिनरल को डिपॉजिट डिपो, को एक्सप्लोर करने की कॉस्ट बहुत लो हो जाएगी तो आपका रेंट बढ़ जाएगा अगर वो हाई होगी तो फिर रेंट कम हो जाएगा तो ये बेसिकली एलिमेंट है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक रेंट जनरेट करने में ओपैक की एक एग्जांपल हम दे सकते हैं जो कि लोकेशन रेंट जनरेट कर रहा है और स्पेसिफिकली इसमें एक तो मोनोपली का कंपोनेंट है और दूसरा लीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत मिनिमम है बल्क में प्रोड्यूस करने की वजह से या इकोनॉमी उसके इन्जॉय करने की वजह से अब यहाँ पर इकोनॉमिक रेंट का एक और कॉन्टेक्स भी है वो रिसोर्स प्रोडक्टिव प्रोडक्टिविटी बेस्ड रेंट भी है कि आप रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी इन्हांस करके भी ये रेंट जनरेट कर सकते हैं तो ग्लोबल पैटर्न ऑफ क्लाइमेट सोयल वेजिटेशन कंडीशन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक रिसोर्स अब जो स्टॉक रिसोर्स है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे रिसोर्स की स्पेल में हम थोड़ी सी मिस्टेक कर गए हैं तो आर ई e. के साथ है इसकी क्वेश्चन कर लीजिएगा तो ग्लोबल पैटर्न जो है क्लाइमेट का सोल का वेजिटेशन कंडीशन ये सारी जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं जो प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करती हैं किसी भी रिसोर्स की तो रिसोर्स बेस रेंट भी जनरेट किया जा सकता है क्लाइमेट की बेस पे सॉयल की वेजिटेशन की बेस पे दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मार्केट एक्सेसिबिलिटी बेस्ड रेंट जो जनरेट हो रहा है कि मार्केट के उसमें डायनामिक पैटर्न है सोशल इंटरेक्शन का नंबर वन के कोर रीजन जो कोर रीजन से उनको कुछ फेवरेबल इन्वायरमेंट मिली हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो वहाँ पे क्या था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है तेईस से इंक्रीज कर गया और कैपिटल फॉर्मेशन पॉसिबल हो गई और वो भी दूसरी तरफ जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप था और नॉर्थ ईस्ट यूएसए था उसमें टेक्नोलॉजी जो थी एक तो बड़ी अर्ली स्टेज के ऊपर थी लो अर्ली टेक्नोलॉजी और बेसिक टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे और वो बेसिकली फोकस करते थे लोकल डिपॉजिट में जिसमें कोल और आयरन और जो है वो उनकी बेसिक प्रोडक्ट थी और जिसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था तो ये इंक्रीज़ इस जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंक्रीज़ हुई तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी तो उसकी वजह से इसकी डिमांड भी बढ़ गई और बहुत मैसिव एक्सप्लोरेशन शुरू हो गई और हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन ने इसको फैसिलिटेट किया और इसको बूस्ट किया तो उसकी वजह से नेचुरल जो रिसोर्स हैं उनकी प्रोडक्ट जो नेचुरल प्रोडक्ट या नेचुरल रिसोर्स बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनकी वैल्यू कम होगी उनकी कॉस्ट कम होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल रिसोर्स बेस्ड कंट्रीज़ हैं जब वो प्रोडक्शन बढ़ाती जाएंगी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने की वजह से तो उनके प्रोडक्ट की प्राइस कम होंगे इससे उनका रेंट कम हो जाएगा उनका बेनिफिट या प्रॉफिट कम हो जाएगा दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजिकल प्रोड्यूसर्स हैं उनका रेंट मार्क जो मार्केट है वो बढ़ जाएगा अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप इस डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये पूरे का पूरा एरिया इकोनॉमिक रेंट को शो कर रहा है ये जो फुल रेंज है ये सारी की सारी रेंज जो है ये इकोनॉमिक रेंट को शो करिए ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो सप्लाई कार्रवाई है ये आपका ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शो कर रहा है तो इससे ऊपर सारा अगर प्राइस जी के ऊपर होंगे तो ज़ाहरी बात है यहाँ पे कोई रेंट नहीं है एम के ऊपर है तो थोड़ा सा मार्जिनल सा रेंट आपको मिलेगा ठीक है लेकिन अगर पी के ऊपर है जो मार्केट प्राइस है तो ये रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अब ये लैंड की क्वालिटी गुड मीडियम और पुअर के साथ आप देखें गुड लैंड है तो ये रेंट का आप साइज देख लें और अगर मीडियम है तो रेंट के साइज में थोड़ी सी कमी होगी लेकिन अगर पुअर है तो कोई आप इकोनॉमिक रेंट जनरेट नहीं कर सकते दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के रेफरेंस से देखें तो यही इकोनॉमिक रेंट है लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टेशन अगर आपकी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है तो आप मैक्सिमम इकोनॉमिक रेंट को जनरेट कर रहे हैं अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ी सी है तो फिर कुछ ना कुछ रेंट फिर भी मिलेगा लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल है जितना आप इकोनॉमिक रेंट जनरेट कर रहे थे तो सारे का सारा इकोनॉमिक रेंट बेसिकली कंज्यूम हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को पे करने में और अगर उससे भी बढ़ जाए यानी आपका डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाए कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है मार्केट प्राइस को भी मीट नहीं कर पा रही तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है यानी आप नेगेटिव इकोनॉमिक रेंट में चले जाएंगे तो ये सिचुएशन भी हो जाती है जिस इसलिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है चांसेस कम होते हैं कि आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करें